हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा आज क्या है, आज है 22 जून और हम बात करने वाले हैं हमारा बिहार दरोगा सिपाही हिंदी प्रैक्टिस सेट सेकंड। आज हम देखने वाले हैं, कल हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कवर किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, बिहार दरोगा सिपाही हिंदी करके सेक्शन होगा, वहां पर वह पार्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद सेकंड पे आइए, क्योंकि आप फर्स्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों हमारा चल रहा है चैप्टर बर्न वाला, जिसमें हमने हाफ कवर कर लिया था, आज हम कुछ कवर करेंगे और ज्यादा, और जिसमें हम देखेंगे क्या लघु, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, और दोस्तों इनसे बनने वाले विभिन्न क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सारे फ्रेंड्स एक साथ आ जाया करें, ओके, और आते ही वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। तो दोस्तों चलते चलते एक नजर कल हमने क्या पढ़ा था उस पर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने जाना था वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, इसके बाद हमने जाना था अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है। हमने देखा था ध्वनि दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसको बोलते हैं हमने ये भी देखा था। हमने जाना था व्यंजन किसको बोलते हैं, और हमने जाना था स्वरों का वर्गीकरण कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जिसमें मूल स्वर कितने होते हैं उन्होंने बताया था 4, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और संधि स्वर भी बताया था। और हमने जाना था क्या दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, हमने ये सारी चीजें कल देखी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर किस किस से मिलकर बनते हैं, फिर हम आ गए थे उच्चारण के कालमान मात्रा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर उच्चारण के कालमान के अनुसार या मात्रा के अनुसार भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, जो कि क्या है लघु और गुरु। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक तो है लघु और दूसरा है क्या गुरु, है ना, उच्चारण के कालमान मात्रा के अनुसार, ओके। मात्राओं के अनुसार भी स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या लघु और एक होता है गुरु। अभी क्या होते हैं लघु और गुरु, चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और जानते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है मात्रा के अनुसार भी स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु दूसरा होता है गुरु। अब लघु स्वर क्या कहलाते हैं, बे स्वर वर्ण जिनकी एक मात्रा होती है लघु स्वर कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे तात्पर्य वो स्वर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा लघु, जिसे पता ही चल रहा है छोटा, ओके। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन्हें हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए, आता ही ये क्वेश्चन कि एकमात्रिक स्वर का उदाहरण है, तो दोस्तों आप इनमें से किसी को भी टिक कर सकते हैं यदि ऑप्शन में दिए हो आ ई उ ऋषि। अब इनको आप जब मात्राएं काउंट करना मैं सिखाऊंगा तो आप इनको एक ही मात्रा गिनेंगे, ओके। इनको सिर्फ एक ही मात्रा में गिना जाता है। जब हम छंद पढ़ते हैं तो मात्राओं की गिनती आती है कि मात्राओं की संख्या बताइए, आपको बताना रहेगा कितनी मात्रा है, तो उस टाइम पे आपको गिनती आनी चाहिए लघु स्वर क्या होते हैं दीर्घ क्या होते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे क्या गुरु स्वर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की, तो बे स्वर वर्ण जिनमें दो मात्राएं लगती हैं गुरु स्वर कहलाते हैं। यहाँ पे दो मात्राएं लग रही तो क्या हो गए हैं गुरु, मतलब की बड़ा, और एक ही मात्रा है तो उससे क्या बोल रहे हैं लघु, एक ही मात्रा। अब दोस्तों गुरु स्वर कहलाते हैं तथा इन्हें द्विमात्रिक छंद भी कहते हैं। सीधी सी बात है, लघु है तो एक मात्रा है, गुरु है तो दो मात्रा है। आप बड़े आराम से समझ सकते हैं इस चीज को, बहुत मामूली सी चीज है, आपको बताना जरूरी है। अब दोस्तों आप मात्राओं की गणना जब करेंगे तो आपको दिख रहा होगा बड़ा आ बड़ी ई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कैंडिडेट क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एक मात्रा में गिनते हैं, ऐसा है नहीं। आपका जो एडी का ए है, चाहे फिर वो इसके ऊपर मात्रा हो या फिर ना हो, इसको डबल मात्राएं काउंट की जाती हैं। ए आई उ ओ औ, जी सारे के सारे क्या हैं गुरु स्वर, इनको गुरु स्वर के अंतर्गत
लिखा जाता है, गिना जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बेहद बनते हैं और घुमा घुमा कर बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पर जो समय लगता है उसके आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। जैसे कि कल मैंने दो क्वेश्चन आपको शायद ह्रस्व और दीर्घ स्वर से कराए थे, आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज लास्ट वीडियो को जरूर देखें, तब जाके आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज चल रही है। आप बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम वन बाय वन करके हर एक की डेफिनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि सर ह्रस्व स्वर हम किसको बोलेंगे। तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके समक्ष यहाँ पर वर्ण लिखे हुए हैं, आप आ ई उ ऋषि, इन किन्हीं भी शब्दों को आप किन्हीं भी यहाँ पर स्वरों को बोलेंगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। आप आ बोल के देखिए आ, आप ई बोल के देखिए ई, आप उ बोल के देखिए उ, आप ए ऋषि बोल के देखिए ऋषि, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कम टाइम लग रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको ह्रस्व स्वर, मतलब छोटा। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या दीर्घ स्वर कि सर दीर्घ स्वर किसे बोलेंगे। तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दोस्तों दीर्घ मतलब हो गया लंबा या बड़ा। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से दोगुना टाइम ले रहा है, इसलिए हम इसको दीर्घ स्वर बोलेंगे जिससे दोगुना टाइम लग रहा है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आखिर क्या है। दोस्तों इन शब्दों को याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है, आपको दे देंगे आ, फिर दे देंगे बड़ा आ, फिर दे देंगे आपको बड़ा उ। आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे यदि आपको पता नहीं रहेगा तब, लेकिन यदि आपको पता रहेगा तो आप आंखें बंद करके भी सही आंसर पर पहुंच जाओगे। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज हो रटा मत करो, समझा करो। अब इनसे कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं आप विश्वास मानिए, कोई चाहे तो 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से बना दे घुमा घुमा कर, आपके ऑप्शन चेंज कर करके। इसलिए आपने डीपली समझ लिया, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। बढ़ते हैं आगे और दीर्घ स्वर के उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे बताने वाला हूँ दीर्घ स्वर के उदाहरण। अब दोस्तों आपके समक्ष यहाँ पर देख रहे हैं जिनमें डबल मात्रा है, सीधी सी बात है दीर्घ स्वर है, जिनको हम गुरु में गिनते हैं सीधी सी बात है दीर्घ स्वर है। यहाँ पर बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, आपका एडी का, फिर इसमें मात्रा है, फिर ओ और औ, ये सारे के सारे क्या है दीर्घ स्वर। ओके, चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट क्या आपका प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। पहले हमने क्या जाना था, हमने जाना था ह्रस्व स्वर, उसके बाद हमने जाना क्या दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में दोस्तों आपने देखा होगा कि ह्रस्व स्वर से दोगुना टाइम लग रहा था, लेकिन आपका जो प्लुत स्वर है इसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना टाइम लग रहा है, मतलब कि तीन गुना आपको यहाँ पर देखने में आ रहा होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना टाइम लगता है, समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें हिंदी के तीन एवं अंग्रेजी के एस, ध्यान देना आपसे काउंटिंग में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप जब छंद पढ़ेंगे तो आपको काउंटिंग करते आना चाहिए। यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो तीन और यदि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो एस के अनुसार लिखा जाता है। इनका उच्चारण आ के रूप में होता है, जब आप इनको बोलेंगे तो आपको आ की ध्वनि महसूस होगी लंबे टाइम तक, जैसे कि अभी हम बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तथा इनका प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के अंतर्गत होता है। ओके, जैसे कि कोई चिल्लाए राम, तो दोस्तों रा के बाद बहुत ज्यादा ऐसी मात्रा लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, बहुत लंबे टाइम तक, इनको बोलते हैं प्रूत आपका स्वर। चलिए अब हम देखते हैं क्या औष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओके फ्रेंड्स,
आपने स्वर जाने, लेकिन इनका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर है, आपके उच्चारण के आधार पर। ओके, अब आप देखने वाले हैं औष्ठाकृति, मतलब कि ओंठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, एक बार हिंदी पढ़ लिए, बट ऐसी पढ़िए कि दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए बताता हूँ इसकी डिटेल्स। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या औष्ठाकृति, मतलब कि ओंठों की आकृति के अनुसार। लेकिन आज हम इतना ही रहने देते हैं, अब हम आपको लगाने वाले हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज हमने देखा है क्या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और आपका प्लुत स्वर होता है। आज हमने देखा है दोस्तों, आपके लघु स्वर को देखा है और गुरु स्वर को देखा है, जो किसके अंतर्गत आते हैं, उच्चारण की मात्रा के अनुसार। हमने संयुक्त स्वर को भी देखा था, जो कल की बात थी। चलिए अब हम देखते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके समक्ष आज का फर्स्ट क्वेश्चन लगे है, जरा इसका आंसर दीजिए। क्या रा वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है जो रा वर्ण है वो कहाँ से उच्चारित होता है। हालांकि इसकी क्लास में नेक्स्ट डे मिलूंगा आपके जो वर्ण और उनके उच्चारण की स्थिति, मतलब कि कंठ, तालु, आपके जिभ्या, ओके, इन सभी से मैं बताऊंगा औष्ठा कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ण उत्पन्न होते हैं। आपके समक्ष यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, बताइए रा वर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है, उच्चारित होता है। तो दोस्तों, आपके चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर आपका राइट आंसर जा रहा है क्या, आपका वत्सल्य, ओके, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला आपका क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपसे, आहा वर्ण का सही उच्चारण स्थान है। दोस्तों, वर्ण टाइप हो गया है, बट आपको वर्ण काउंट करना है। आहा वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है आपके कंठ, तालु, मूर्धा या नासिका, जल्दी से कमेंट करो। आपका राइट आंसर जा रहा है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंठ। आपका जो आहा है, आप इसको बोल के देखिए, आहा, आपके कंठ से ही डायरेक्ट आवाज निकल रही है, ओके। चलिए देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आपका जो मा वर्ण है उसका सही उच्चारण स्थान क्या है। हालांकि दोस्तों, आप मा बोल के देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि कहां से निकल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूं आपको। चारों ऑप्शन देखते हैं, आप कमेंट तो करिए सही जा रहा है कि गलत। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर जाता है क्या, चौथा, नासिका, ओके। आपका जो मां वर्ण है, मां, मां, आप बोल के देखिएगा, आपके नाक से स्वर भी निकल रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपका वा वर्ण का सही उच्चारण आपको स्थान बताना है। क्वेश्चन है 14, राइट आंसर कौन सा है बताइए। चार ऑप्शन आपके समक्ष लग गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपका जो क्वेश्चन 14 है, इसका राइट आंसर जाता है क्या, आपका ऑप्शन नंबर चौथा, दंत ओष्ठ, मतलब कि दांत और ओंठ, ये दोनों से मिलके जब मिलते हैं तब आपका वा निकलता है। वा, आप वा बोल के देखिएगा, आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है, मतलब कि ऊपरी सतह के जो दांत है, और आपका ओंठ आपस में जब बिल्कुल मिल जाते हैं तब वा की ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्या पूछ रहा है आप देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दा वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है। आप बताइए दा, पहले तो बोल के देखिए और प्रयास कीजिए कि चारों ऑप्शन में से आप सही छांट लें, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली सीखना है, ना कि रटना है। आप मुंह से बोलें और अभ्यास करें कि आखिर ये ध्वनि निकल कहां से रही है। क्या यह ध्वनि कंठ से निकल रही है, क्या यह ध्वनि तालु से निकल रही है, क्या यह ध्वनि मूर्धा से निकल रही है, क्या यह ध्वनि दंत से निकल रही है, बताओ जल्दी से बोलो दा दा। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका राइट आंसर जा रहा है आपका क्या, आपका दंत, ओके। जब आपकी जिभ्या दा से टक, मतलब कि चिपक रही है, टच हो रही है, तब जाके आपकी दा की ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ पे दंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठा वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है। अब आपको ठा बोल के देखना है और प्रयास करना है कि चारों में से आप सही फाइंड कर लें।
बताओ क्या कंठ से निकल रहा है ठा, क्या आपके तालू से निकल रहा है ठा, क्या आपके मूर्धा से निकल रहा है ठा, या क्या आपके ओंठों से ओष्ठ से निकल रहा है ठा। बोलिए किससे निकल रहा है आपका ठा। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका जो ठा वर्ण है वो आपके मूर्धा से निकल रहा है, मतलब आपके मुंह का जो ऊपरी स्तर हिस्सा रहता है जिसको तालू, तालू के पीछे ठा, जब आपकी जीभ इसमें टच कर रही है तब आपको ठा ध्वनि निकल रही है, महसूस हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे मूर्धा से उत्पन्न हो रही है ठा वर्ण की ध्वनि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपका क्वेश्चन है क्या 17वां, और आपसे पूछा है कि आपका जो छा वर्ण है कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, इसको बताना है, उच्चारण स्थान क्या है इसका। बोलिए अच्छे से छा, और प्रैक्टिस करिए कि आप इसको प्रैक्टिकली ही बता दें, आप बोल के ही समझ जाएं जी कहाँ से निकल रहा है। क्या आपके कंठ से निकल रहा है छा, क्या आपके तालू से निकल रहा है छा, क्या आपके मूर्धा से निकल रहा है छा, क्या आपके ओष्ठ मतलब कि ओंठों से निकल रहा है छा, बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका 17वां, और राइट आंसर जाता है क्या, आपका जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, तालू। छा, आप छा बोलेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका जो तलवा है, तालू है, यहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, छा छा छा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि आखिरकार अब आपका जो 18वां क्वेश्चन है वो क्या पूछता है आपसे। तो दोस्तों आपका जो 18वां क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, पूरी कोशिश करिए कि का वर्ण का सही उच्चारण आपको बताना है। का, आप का बोल के देखिए, का का, और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है सही। आपका का वर्ण कहाँ से निकल रहा है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से। दोस्तों आप का बोलेंगे ना तो आपको पता चलेगा ना तो ये तालु से निकल रहा है, ना मूर्धा से, ना ओष्ठ से, ये निकल रहा है आपके कंठ से डायरेक्टली, का का। बिल्कुल अलग ही समझ में आ रहा है कि अंदर से आवाज आ रही है, गले के यहाँ से आवाज आ रही है, का आपका कंठ से ही निकल रहा है। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द निर्नानुनासिक है, निर्नुनासिक है, मतलब कि आपको बताना है यहाँ पे उधर, कंकन, दांत, इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यदि आपने पढ़ा है तो आपसे बनेगा, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास आपकी इसी के ऊपर रहने वाली है, आप चिंता ना करें, आपको हर एक चीज बड़ी बारीकी से समझाई जाएगी। एक बार हिंदी पढ़ लें, दूसरी बार हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका राइट आंसर जाता है क्या, ऑप्शन है आपका क्वेश्चन है 19वां, राइट आंसर जाता है फर्स्ट। आपका जो उधर है, यहाँ से निम्न में से कौन सा शब्द निर्नुनासिक है, उधर। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करता हूं कि आप इसका राइट आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। अभी लाइव चैट में देने की आवश्यकता नहीं, आप जब वीडियो बंद होने को हो जाती है तब आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके क्वेश्चन को रीड करें और जाने कि आप लास्ट तक आए हैं। यदि आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए कि सर और ऐसा करिए वैसा करिए, थोड़ा आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, कुछ कमी समझ में आ रही है तो। ओके तब तक लिए आपको बता दें, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कमेंट करना है, निम्न में से कौन सा शब्द अनुस्वार है। अनुस्वार आप समझते हैं ना किससे बोलते हैं, नहीं समझते समझाऊंगा। आपके ऑप्शन है चारों, आपको कहीं से भी फाइंड करके देना है, हंस, हंस, हास या फिर हास्य, आपको बताना है क्या अनुस्वार। तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करते जाएं, और अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग इकट्ठा आया करें टाइम से, मेरे को भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।